नमस्कार, मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद अंतर्गत चायल विधानसभा से। चायल विधानसभा के विधायक संजय कुमार गुप्ता ने विपणन अधिकारी चायल का किया औचक निरीक्षण। विधायक ने कहा, कोटेदार को तो सब चोर कहते हैं, लेकिन असली चोरी तो विपणन कार्यालय में ही होती है। विधायक जी ने साथ में यह भी बताया कि सभी कोटेदारों ने हमसे राशन कम मिलने की प्रति बोरी 2 किलो के हिसाब से शिकायत किया था, लेकिन हमने जो है निरीक्षण करने का सोचा और यहाँ पर आने पर पता चला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक काटा रखा हुआ है, इस पर 50 किलो का बाट रखने पर 50 किलो 240 ग्राम बता रहा है, जबकि चायल विपणन अधिकारी द्वारा कोटेदारों को सहित तौल कर अनाज देना चाहिए। लेकिन विपणन अधिकारी चायल एक तो कम तोलते हैं और बोरी का वजन भी कोटेदारों को नहीं देते हैं। विधायक जी से और कई किसानों ने भी शिकायत किया कि हम लोग गेहूं तौल के लिए मई से ही आ रहे हैं, अप्रैल से ही आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा हमारे गेहूं तौल नहीं कराए जा रहे हैं और जो हमसे पहले आए हैं उनसे पैसा लेकर तौल करा रहे हैं। विधायक जी ने उपजिलाधिकारी जी को साथ में लेकर आए थे निरीक्षण करने के लिए। साथ में उपजिलाधिकारी जी से कहा कि आप बताइए, जब कोटेदारों को यहाँ से कम मिलेगा तो कोटेदार कहाँ से सही अनाज जनता में वितरण करेगा। यह पूरा मामला सामने है, आपके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विपणन अधिकारी के द्वारा ना ही कोटेदारों को बोरी का वजन दिया जाता है और ना ही उनको भाड़ा दिया जाता है। विधायक जी ने कई कोटेदारों से पूछा कि आप लोगों को भाड़ा दिया जाता है, तो कोटेदारों ने कहा नहीं। कई किसानों से पूछा कि आप लोगों के गेहूं का तौल हो रहा है, किसानों ने कहा नहीं। यह पूरा मामला हम आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुझे इससे कोई समस्या आपकी है, या तो आप बाहर बोर्ड लगाइए कि हमारे यहाँ खरीद बंद हो गई। सर, इनसे भेंट ही नहीं होती है, बैठते नहीं। ये तो हर आदमी बोलता है, ये खेत बिचौलिए चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे हो। इनसे भेंट ही नहीं होती है, इनसे बोला बोले भाई नहीं बोलो, 1 महीने से आ रहा है, आपसे भेंट नहीं होती। सर, ये हमारा भी तौल कराना था, कह रहे यहाँ नहीं हो पाएगी तौली। कब से? सर 5 दिन हो गए अभी आए थे तो। देख लीजिए, सब शिकायत करता सामने है, ये सारे किसान ही तो है। कहाँ चाहे जाओ, हम जो पहले बात में जा रहे हैं, जो बात में जा रहे कमीशन, जैसे इस लड़के से कमीशन मांगा गया, अगर कमीशन दे देता तो इसका तुरंत टोल हो जाता। ऐसा भी भैया, भाई एक पैसे में किसी भैया मैं जो सामने है सारे लोग सामने आप नहीं मांग रहे हो, क्योंकि आप यहाँ हो रही मांग रहे हैं तो बिचौलिया जो भाग गया। डिप्टी आ रहे हो साहब, भ्रष्टाचार की सारी सीमा क्रॉस कर दी आपने, भ्रष्टाचार की सारी सीमा क्रॉस हो गई। नहीं बटवाया कहीं, एक किसान मुझे फोन करके बोला रहा है, किसान मेरी उपज नहीं ले जा रही है, हमसे कमीशन मांगा जा रहा है। नहीं नहीं, हम तो बताएंगे 15 तारीख से दौड़ रहा है ये। यहाँ पे और किसान है जो अप्रैल से दौड़ रहे हैं, एक एक महीने से दौड़ रहे हैं, और उनका कहना है कि बाद वालों के लिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति, ये बुजुर्ग व्यक्ति 2 महीने से आ रहा है, ये 75 साल का आदमी, इसका गेहूं नहीं लिया गया। आप लोगों ने बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, सरकार की मंशा की पूरी आपने हत्या कर दी। अरे सर, ये अगर उनसे मिलता, बिक्कू से मिला होता तब तक कभी तक उसे आता, हमें मालूम क्या। अब आप समझिए जरा से, और ये जो आप इधर उधर जो जा रहे हैं, केवल मात्र इसको जो इंस्पेक्टर साहब है उनका जो डायरेक्शन है, नहीं तो इसको केवल बिक्कू चला रहा है, ये सब तो रबड़ की मोहर है। बोलिए, अब ये नहीं सामने कह तो रहे, जवाब दीजिए इसका, सामने जवाब दीजिए, बोल रहे हैं भाई। वो तो सब गलत कह रहे हैं, सारी जनता गलत है, सारे किसान गलत है, सारे कोटेदार गलत है, यहाँ के टोटल निवासी गलत है, और सिर्फ आप सही हो। मैंने जो अपनी आंख से देखा वो भी गलत है, ये जो टेबल है ये भी गलत है, किसानों को खून पी रहे हैं आप लोग। एक एक महीने से, डेढ़ डेढ़ महीने से किसान यहाँ पे दौड़ रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। अब आप सबके सब सामने हैं, हाथी घोड़ा मैदान सब सामने है, किसान भी सामने, अनाथाइज पर्सन का किया गया काम भी सामने। वो तो जैसे ही पता चला कि हम आ रहे हैं भाग गया। अब आप मुझे खाली ये बता दो, आप अधिकारी हो, डिप्टी आरएमओ हो, आप मुझे बता दो इसके विषय में जो मेरा आरोप है, क्योंकि अभी किसान भी सामने है, कोटेदार भी सामने है, ये आपका गलत काटा भी सामने है,
ये कांटा आप देखिए 50 किलो का बटखरा रखा है, ये सेट है 50 किलो 240 ग्राम बता रहा है, 250 ग्राम तो बटखरे में ये कांटा सेट है। उसके बाद बोरी का वजन आप नहीं देते, आप भाड़ा नहीं देते किसी को, भाड़े का पैसा आप लोग स्वयं खा जाते हैं। जब कोटेदार को आप गल्ला कम देंगे, कोटेदार को भाड़ा आप कम देंगे, तो कोटेदार कस्टमर को राशन कार्ड धारक को पूरा कैसे बांटेगा बता दो मुझे। अभी हम कमिश्नर से भी बात करते हैं और प्रमुख सचिव से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। ये आप भ्रष्टाचार चलाओगे यहाँ पे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत करते हैं, एक एक गांव एक एक जिले जिले जा रहे हैं और आप लोग पूरी भ्रष्टाचार से निकल नहीं पा रहे हो। आप लोग चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूले। धन्यवाद।